ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के तिमाही नतीजे दमदार रहे और इसका साफ असर शेयर प्राइसेस पर दिखा। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के रिजल्ट आने के बाद M&M का शेयर गुरुवार को करीब 4% उछला और शुक्रवार को तो इसने करीब 7% की तेजी दिखाई और ये 2,557.95 रुपए का इसे नया ऑल टाइम हाई बनाया। दोपहर 2:15 बजे तक ये तेजी बरकरार थी और M&M का शेयर 2,530 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। ब्रोकरेज का कहना है कि एक साल में ये 2,900 रुपए के लेवल तक पहुंच सकता है। दरअसल M&M के नतीजे तो बाजार को पसंद आए, साथ ही ब्रोकरेज की रेटिंग और EV सेगमेंट की कंपनी की योजना भी लुभावनी है। ऐसे में ब्रोकरेज ने अपने आउटलुक और टारगेट को रिवाइज किया है। आइए वीडियो में नतीजे, प्लान्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट को जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। शुक्रवार और गुरुवार M&M के नाम रहा और ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में खुद को बरकरार रखने में कामयाब रहा। साथ ही कंपनी के शेयर ने अपना नया ऑल टाइम हाई 2,557.95 रुपए बनाया। वही एक साल पहले यानी कि 19 मई 2023 को इसने अपने 52 हफ्ते के लो 1,237.45 रुपए को टच किया था। ब्रोकरेज रिजल्ट के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस से खुश है और उन्होंने अपना रिव्यू दिया है, जिसके बाद शेयर में जमकर खरीदारी देखने को मिल रही है। M&M को कवर करने वाले 41 एनालिस्ट में से करीब 90% ने मार्च तिमाही के नतीजों के बाद इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसे कवर करने वाले 41 एनालिस्ट में से 36 ने इसे खरीदारी, 4 ने होल्ड और 1 ने सेल रेटिंग दी है। ब्रोकरेजेस के मुताबिक महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर एक साल में 2,900 रुपए के लेवल तक पहुंच सकता है। ये मौजूदा लेवल से करीब 14% अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्वार्टर 4 नतीजे सभी पैमानों पर अनुमान से बेहतर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और 2,720 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं नुवामा का कहना है कि कंपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ा रही है। नुवामा ने 2,760 रुपए टारगेट प्राइस के साथ बाई रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर सेल कर दिया है। ब्रोकरेज ने इसके शेयरों की हालिया तेजी के चलते रेटिंग कम की है और मार्च तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट महज 4% उछला है। हालांकि CLSA ने इसका टारगेट प्राइस 2,115 रुपए से बढ़ाकर 2,312 रुपए कर दिया है। जेफरीज ने रेटिंग को होल्ड से अपग्रेड कर खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 1,615 रुपए से 2,900 रुपए कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने इसकी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 2,160 रुपए से बढ़ाकर 2,700 रुपए कर दिया है। गोल्डमैन के मुताबिक कंपनी XUV 3XO, 5-डोर वाला थार और ट्रैक्टर की ग्रोथ से कंपनी के कारोबार को मजबूत सपोर्ट मिलेगा। मैनेजमेंट को भरोसा है कि वित्त वर्ष 2025 में इसका मार्जिन मजबूत बना रहेगा। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने M&M पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और 2,665 रुपए का टारगेट दिया है। बर्नस्टेन की बात करें तो इसने अपनी रेटिंग आउट परफॉर्म दी है और 1,880 से इसे बढ़ाकर 2,630 कर दिया है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ टारगेट 2,700 के दिया है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एड रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट को बढ़ाकर 2,100 से 2,550 कर दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी एड रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 1,800 रुपए से बढ़ाकर 2,550 कर दिया है। नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31.5% बढ़कर 2,038 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 1,549 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। ऑपरेशन से कंपनी का रेवेन्यू आय 11.2% बढ़कर 25,109 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 22,571 करोड़ रुपए था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 21.10 रुपए के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रेवेन्यू और मार्जिन मार्च 2024 तिमाही में उम्मीद से अधिक रहा है। ऑटो सेगमेंट मजबूत बना रहा, लेकिन ट्रैक्टर सेगमेंट में दबाव बना हुआ है। ट्रैक्टर सेगमेंट में इसकी बाजार हिस्सेदारी भी 1.30% घटकर 394% रह गई है। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बिक्री 215,280 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 14% अधिक है। महिंद्रा ने एक साल पहले की तिमाही की तुलना में 27.2% ज्यादा SUV बेची।
कंपनी के कुल रेवेन्यू में ऑटोमोटिव बिजनेस की हिस्सेदारी लगभग 2/3 है। एमएनएम के बोर्ड ने 31 मार्च 2027 तक अगले 3 सालों की अवधि में अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ईवी यूनिट महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड यानी कि मील में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिज तक आपको किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा कि आप जब भी निवेश करें तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही करें। बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।